सर आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब ने और मेरे जितने भी यहाँ साथी हैं, उस तरफ के या इस तरफ के, सत्ताधारी पार्टी के या विपक्ष, और विशेष रूप से आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं मैं। मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव करियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र से जीत के आके मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा और संघर्ष का जमाना रहा। और मैं आज बहुत सारी चीजों को छोटा करने के लिए कुछ शेरों में ही खत्म करते हैं। शायर जो होते हैं उनमें एक बड़ी ताकत होती है उनके शेरों में, कि हम लोग अगर 10 घंटे का भाषण दें तो वो 2 शेर में खत्म कर देते हैं उसका। तो मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूं, वरना अगर मैं इतने 41 साल के इस अनुभव को अगर कहना चाहूंगा तो बहुत समय लगेगा, कई हफ्ते महीने लगेंगे, लेकिन शुरू में करूंगा जिस बात से मैंने पॉलिटिकल करियर शुरू किया है, स्टूडेंट लाइफ, और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मेरा, हालांकि मैं जम्मू से हूं लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट में, शमशेर सिंह जी जानते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, उसका असर कश्मीर का ज्यादा होता है, जम्मू का कम असर पड़ता, विशेष रूप से मुस्लिम्स में। और उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो मैं कश्मीर में ही पढ़ा, और गांधी को पढ़ता था मैं, नेहरू को पढ़ता था, मौलाना आजाद को पढ़ता था, इन 3 की। तो जो मैंने सीखा है देशभक्ति का स्कूल से लेकर, और वो देशभक्ति आज उन नौजवानों के नजर में जो सियाचिन में है, जो जम्मू कश्मीर में कई दशकों से है, ठंड में है, बर्फ में है, उनके नाम से शुरू करता हूं मैं। खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, मेरे नजदीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। ये मेरे मन में बचपन से और स्कूल से ये बात रही। और जब मैं कश्मीर के सबसे बड़े कॉलेज SP कॉलेज, श्री प्रताप कॉलेज में पढ़ता था, मुझे याद है वहां 14 अगस्त भी मनाया जाता था और 15 अगस्त भी मनाया जाता था हमारे कॉलेज में। और 14 अगस्त तो आप जानते हैं किसके लिए मनाया जाता, और मेजॉरिटी उनकी थी जो 14 अगस्त को मनाते, और बहुत कम माइनॉरिटी थी दर्जन के अंदर जिसमें मैं भी था और मेरे दोस्त थे जो 15 अगस्त में स्टाफ के और प्रिंसिपल के साथ रहते थे। और उसके बाद हम एक हफ्ता कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि पिटाई होती। तो उस वक्त से निकलकर हम इस सोच के आए हैं जिस सोच में आज हम सब हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस सोच को बहुत सारे लोगों ने, और मैं बधाई देता हूं दूसरी पार्टीज को भी, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, BJP तो शुरू से ही कौमी धारा की पॉलिटिक्स में थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैमाने पे आए और कश्मीर आगे बढ़ा।
मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से यह कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए, तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी दो कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। मेरी हमेशा ये सोच रहेगी, पता नहीं शमशेर सिंह जी ने मेरी कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग के बारे में कभी सुना है कि नहीं। मैं जब सीएम बना तो पहली पब्लिक मीटिंग सीएम के तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कहाँ ली होगी, वो मैंने सोपोर में ली, जहाँ के सोपोर में कोई कई दशकों से पब्लिक मीटिंग कोई कर नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता। शहर में तो नहीं की, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में की, जहाँ गिलानी साहब हैं, जो गिलानी साहब वहां से 3 दफा एमएलए चुन के आए। और उस पब्लिक मीटिंग में मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी, और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर और पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा, तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री या ऐसा अफसर मेरे साथ काम कर रहा। तो मैं उसी सोच का हूं कि जहां भी जाएं मुझे प्यार मिला लूंगा, बहुत प्यार मिला। आनंद शर्मा जी ने जैसे बताया, शरद जी ने जैसे बताया कि उनको तो बहुत अरसे से जानता, मुझे सौभाग्य मिला और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज वो जिंदा नहीं, इंदिरा गांधी जी का, संजय गांधी जी का, जिनकी वजह से मैं यहां पहुंचा और फिर काम करने का अवसर मुझे तकरीबन 5 अध्यक्षों के साथ मिला और 4 या 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्रिमंडल में काम करने का मिला। लेकिन अवसर ये मिला कि मैं हिंदुस्तान के सभी 35-36 यूटीज और स्टेटों का इंचार्ज करने का अवसर मिला। तो आज मेरे दोस्त भाई बहने, मैं ये कह सकता हूँ कि अंडमान से लेकर और लक्षद्वीप तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक, ये बहुत एक चीज़ कमाई, बहुत कुछ सीखा मैंने इस पार्लियामेंट। मुझे अवसर मिला पार्टी के जनशक्ति या मंत्री के रूप में, वो इंदिरा जी के वक्त में मिला, राजीव जी के वक्त में मिला, सोनिया गांधी जी के वक्त में वो अवसर उन्होंने मुझे प्राप्त कराया, राहुल गांधी जी के वक्त में, और मुझे शायद बहुत सारे कम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ होगा कि जो अपनी उम्र से दुगने के लोग थे और बड़े लीडर थे, उनके साथ
पार्टी की तरफ से मीटिंग करने का मौका मिला और पार्टी के साथ कई नेगोशिएशन करने का मौका मिला, उनमें ज्योति बसु जी थी, करुणानिधि जी थे, जयललिता जी के साथ मैंने अलायंस किया, करुणाकरण जी थे, चंद्रशेखर जी थे, देवीलाल जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रकाश सिंह बादल जी से अलायंस तो नहीं किया, लेकिन कई चीज़ें जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था तब कई मीटिंगें हुई, मैं जब देखता था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, ये देखता था, आईके गुजराल साहब से, शुभ सोरंग जी से, साहब तंगल जी से, मुपनार जी से, फारूक साहब से, मुफ्ती साहब से, ये सब लोगों के साथ कई दफा, और यही वजह है कि यहां भी उसी तरह से मैंने चलाया। तीन प्राइम मिनिस्टरों के साथ मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, मैं उस बात को भूल नहीं सकता कि इंदिरा जी फोतेदार जी और हमें बताती थी, फोतेदार जी पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, कहा जरा अटल जी से भी संपर्क में रहा करो, बीजेपी ने उन्होंने कहा अटल जी से संपर्क में रहा करो, तो वो इस सोच की थी। बाद में राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा भाई अब विपक्ष के जो लोग हैं उनके पास तो दो एमएलए एमपी हैं, हमारा इतना बहुमत, उनको भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करना होता होगा, उनसे भी जरा पूछा करो। जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स में मिनिस्टर बना मैं उनके वक्त में राजीव गांधी के, तो फिर एक दफा फिर याद दिलाया कि आप बहुत सारे काम अपनी पार्टी के कराते हो, विपक्ष के भी कुछ करते हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल उनके भी पूछता हूं, जो जो बताते हैं, हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं, हम अपने लेवल पे करते हैं। और बाद में मैंने यही चीज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखी। 5 साल 91 से 96 तक मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, और भी पोर्टफोलियोज थे मेरे पास, और अटल जी विपक्ष के नेता रहे, हमारे पास बहुमत नहीं था और अलायंस भी नहीं था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता हो, यह हाउस चलाना कितना आसान मुश्किल हो सकता, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे आसान हाउस चलाना उन 5 साल में मुझे अटल जी की लीडरशिप हुआ, और उनसे सीखा मैंने कि किस तरह से हल निकाला जा सकता, विपक्ष की भी बात रहे और सरकार की भी बात रहे। मैंने अपने एलओपी के जमाने में ये कोशिश की कि हम यहां आए हैं, लोगों ने हमको चुना है कानून बनाने के लिए, लोगों ने हमें चुना है कई मसलों का समाधान निकालने के लिए, हल निकालने के लिए, उनकी मुश्किलात, उनके लिए रोजगार पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट करना, डेवलपमेंट करना, विकास करना, सड़कें, नहरें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाना, बिजली पैदावार करना। तो अगर हम हर वक्त ये आपस में ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे और वो कानून पास नहीं होंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा। इसलिए जब भी हमें अपने साथियों को भी समझाता था कि इसको मिक्स करो, एक आध दिन विरोध दिखाओ, एक आध दिन झगड़ा करो और बाकी दिन डिस्कशन करें, ये मैंने हमेशा प्रयास किया। अपने मैं धन्यवाद करता हूं हमारे उस तरफ के भी साथियों को जिन्होंने, और इस तरफ के सभी लीडरों को जिन्होंने उस प्रयास में पूरा अपना सहयोग दिया। मैं अपनी बात गृह मंत्री जी को स्टेटमेंट देना था, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं प्राइम मिनिस्टर का करता हूं कि आपने सबको सुना, आपने इतना समय 2 घंटे से ज़्यादा यहां समय दिया, आप बहुत भावुक हुए, और सच है हकीकत, अगर सच बताएं सर, मेरे माता पिता की जब डेथ हुई मेरे आंखों से आंसू निकले, लेकिन मैं चिल्ला के रो नहीं पाया। मैंने जिंदगी में सिर्फ चिल्ला के रोया, और जब
रोता है इंसान तो वो कोई चिल्ला के रोने के लिए तो आपको आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं। वो थी पहली संजय गांधी की मौत, इंदिरा गांधी की मौत, राजीव गांधी की मौत, अलग अलग जगह था, क्योंकि तीनों मौतें अचानक हो गई थी। शायद अगर नेचुरल मौत होती तो वो चीख नहीं निकलती। और चौथी थी जब सुपर सुनामी आ गया था उड़ीसा में 99। मैं हॉस्पिटल गया अपने पिताजी को दिखाने के लिए और उन्होंने कहा कि इनको गैलपिंग कैंसर है। मुझे तब तक ये गैलपिंग कैंसर का नहीं मैं कैंसर मालूम गैलपिंग। तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब हुआ कि ज्योग्राफिकल रेशो से बढ़ता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 64 जो बढ़ जाता है और इसकी अपर लिमिट है 21 दिन। तो 21 दिन आप कहीं मत जाओ। दोपहर को मैं ये लेके आया और सुबह हमने प्रोग्राम बनाया कहीं जाने का, इनको घुमाएंगे। मिसेज गांधी का शाम को फोन आया कि वहां साइक्लोन है, कोई दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जाना नहीं चाहते और तुम ही जा सकते हो। अब मैं उनको कहता कि मैं अगर मेरे डॉक्टर ने ये कहा है तो कहेंगी बहाना कर रहा। तो मैं अपने पिताजी को छोड़कर मैंने कहा 2 दिन में वापस आऊंगा। गुजरात के ये उड़ीसा के लोगों के लिए एक नई बात कहता हूं, क्योंकि इसका लुल्लू इसका गवाह था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे कांग्रेस का यंग लीडर था, यूस बहुत हाउस होल्ड नेम है आज भी। उड़ीसा जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो 1000 आदमी था, लड़के लड़के। तो कहा सर पैदल चलना है क्योंकि सारे पेड़ जो हैं शहर पानी में है और सारे पेड़ सड़कों पर, तो ये 10-12 किलोमीटर पैदल चलना चले हम। तो सबसे बड़ा काम क्या था पहला, और मिनिस्टर कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर भाग गए थे, मिनिस्टर भाग गए थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई दुकानें तोड़कर मैंने उनकी लिस्ट बनाई पुलिस की मदद से कि उनको पैसे देंगे बाद। हमने हथियार लिए जंगल काटने के 3 रातें और 3 दिन। और अटल जी से जाते ही मैंने फोन पे संपर्क किया, अटल जी प्राइम मिनिस्टर, कि ये स्थिति है और हम सड़क तैयार करेंगे, तब आप आइए ताकि हम वहां समंदर तक पहुंच जाएं। 3 रात और 3 दिन हम तकरीबन 1000 लड़के यूथ कांग्रेस के मैंने लगाए काटने में और सड़क। फिर पीएम को फोन किया, फिर वो हेलीकॉप्टर से आए, फिर उनसे राशन मंगाया, फिर उसके बाद मैंने सोनिया गांधी जी को कहा। तो और वहां मैं रोया जब मैंने लाशें देखी, सैकड़ों लाशें तैर रही थी जब हम समंदर के किनारे तक पहुंचे, वहां मैं चिल्ला के रोया। वो चौथी दफा था। और पांचवी दफा जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए, मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलत फहमी में न रहना। निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ, वहां बस से उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहने टूरिस्ट, उस पर उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया MiG-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। यहाँ हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे,
तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से, मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया, मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात है। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए, हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए, सिविलियन कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए, हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा, शायद उनका पति किसी का मिलिटेंट भी, कहीं के मिलिटेंट होंगे, कई क्रॉस फायरिंग, कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। मैं इससे पहले कि कुछ अशार बोलूं, पहले मैंने अपनी फौजियों के नाम बताया था, लेकिन ये शेर मैं बोलना चाहता हूं मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के लिए। जब मैं कश्मीर में पढ़ता था तो सबसे ज्यादा वोट में यूनिवर्सिटी में जब जीत के आता था तो कश्मीरी पंडित मेरे सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां वोट देते थे। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि कश्मीर में लड़कियां हिंदुस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा, जम्मू में नहीं, कश्मीर, जिस वक्त मैं MSc कर रहा था तो साइंस में तकरीबन 50% लड़कियां होती थी और आर्ट्स में 90%, तो ओवरऑल ज्यादा लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ती थी। तो मैं जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंडित लड़के हों या लड़कियां, सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे, मैं 99 भी नहीं कहूँ। दोस्त हैं आज वो बिखरे हुए, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उनसे मिलता, अपने क्लासमेट्स, ये उन कश्मीरी मेरे भाई पंडितों के नाम जिनके जो घर से बेघर हो गए, उन कश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे हुए और जो वहां से बिछड़ गए, उनके लिए शेर अर्ज करता हूं। गुजर गया, और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूं, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे चमन था आशियाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे चमन थे था आशियाना था, न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, घोंसला उजड़ गया, न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, न पूछ थे चार तिनके मगर नाम आशियाना तो था। तो हम उस आशियानों को, आप दोनों यहां बैठे हैं, उसको फिर आशियाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है, उसके लिए हम सबको प्रयास करना। और मुझे, जैसे मैंने बताया, बहुत काम कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, आशीर्वाद सबका मिला है, मैं यही कहूंगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है, इतनी लंबी होगी, सवेरा तो आई, विंटर में जरा लंबी होती है, तो लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, सवेरा तो फिर आ जाएगा। और आखिर में ये कहूंगा, चाहे हम याद
यहाँ ना होंगे, लेकिन फिर उसके लिए कहूँगा, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँगा फिर भी तेरी महफिलों में रहूँगा। माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। आप जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी हमारी मुलाकात होती थी, जब आप मंत्री बने तब भी बात होती थी, जब यहाँ चेयरमैन बनने से वाइस प्रेसिडेंट आप बनने से पहले आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और मैं एलओपी था तब भी हमारे संपर्क हैं। लेकिन जिस तरह का आशीर्वाद, जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का प्यार आपका चेयरमैन के तौर पे मिला और वो जो गाइडेंस मिली, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, धन्यवाद करता हूँ उसके लिए, और आपके स्नेह और प्यार के लिए मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफ़ा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसमें लंबी तकरीर होती थी, कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं लिया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था, दो आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है, मेरे का वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूँ, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भाविक हो जाता, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता, आदमी इमोशनल होता। और मेरे संपर्क तो विपक्ष के साथ आज से नहीं, जब पहली दफा मैं एमओएस बना था तब से लेकर आज तक, क्योंकि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं, लड़ाई करके गालियां देकर नहीं कर सकते, हम अपनी बात अपने भाषणों के जरिए कर सकते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरे यहां हम बेंचमेट रहे, वो हमेशा मुझे याद रहेगा, बहुत सिंपल आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी कभी हम नाराज होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा वो लोग नाराज होते हैं। और शरद पवार जी से लेकर और यादव जी से लेकर और सब लोग हमारे लीडरों का तो मैं बहुत ही धन्यवाद, सब लेफ्ट राइट एंड सेंटर, नाम क्यों कि कुछ लूंगा तो बहुत सारे हमारे साथी नाराज होंगे, तो चेयरमैन साहब से लेकर और प्रधानमंत्री जी से लेकर मैं सेक्रेटरी जनरल साहब का कैसे और सेक्रेटरीट का कैसे धन्यवाद कर सकता हूँ, मुश्किल है करना, क्योंकि इनका सहयोग मिला बहुत, हमेशा हर वक्त जब भी हमने कुछ चाहा, इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट की या कोऑर्डिनेशन के बारे में आप तक पहुँचने की बात की तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने और सेक्रेटरीट ने हमने हमेशा हमारी मदद की है। और आखिर इस शेर से मैं आपसे विदाई लेता हूँ और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहाँ नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। धन्यवाद गुलाम नबी जी। फ्रेंड्स, वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट